राजधानी दिल्ली में एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप नेता आतिशी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली समेत एनसीआर से आने वाले युवाओं को निशुल्क वैक्सीन लगा रही थी, लेकिन पिछले एक सप्ताह से किसी भी सेंटर पर युवाओं को लगाने के लिए वैक्सीन नहीं है, जिसकी वजह से सेंटर बंद हो गए हैं। लेकिन अब महंगे महंगे 5-स्टार होटल पैकेज कर रही है कि उनके यहाँ पर रहिए, वैक्सीन वे लगवाएंगे। कहा कि जो युवा हजारों रुपए खर्च कर सकता है वो वैक्सीन लगवा सकता है, लेकिन सरकारों के पास वैक्सीन नहीं है। कहा कि ये कैसा घोटाला है जो बीजेपी की सरकार कर रही है, जो अस्पताल महंगे दामों में वैक्सीन लगाते हैं उनके पास वैक्सीन की सप्लाई उपलब्ध है, और जो होटल महंगे दामों पर वैक्सीन लगा रही है उनके पास भी वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन जो सरकार फ्री में वैक्सीन लगा रही है उनके पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में युवाओं के लिए वैक्सीनेशन ख़त्म है। दिल्ली सरकार गवर्नमेंट स्कूल्स में दिल्ली के युवाओं को और आसपास के भी दिल्ली एनसीआर के भी युवा वहां पे वैक्सीनेशन के लिए आ रहे थे, मुफ्त में वैक्सीनेशन करवा रही थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते में दिल्ली सरकार के पास युवाओं के लिए एक भी सेंटर पर लगाने के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। और ये सिर्फ दिल्ली सरकार की समस्या अकेले नहीं है, देश भर में राज्य सरकारों के वैक्सीनेशन सेंटर जो युवाओं के लिए चलाए जा रहे हैं वो एक एक करके बंद हो रहे हैं। युवाओं को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए सरकारों के पास वैक्सीन की डोजेज नहीं है। आज के दिन में युवाओं को वैक्सीनेशन कौन लगवा रहा है? वैक्सीन की डोजेज सिर्फ और सिर्फ महंगे प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध हैं, कोई 900 रुपए में, कोई 1000 रुपए में, कोई 1200 रुपए में, कोई 1400 रुपए में युवाओं को वैक्सीन लगवा रहा है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी के प्राइवेट अस्पताल और होटल से क्या साठगांठ है, महंगे प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन 1400 रुपए में उपलब्ध है, लेकिन युवाओं को फ्री में लगाने के लिए राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रही थी।